So let's see image compression. अब कंप्रेशन क्या है, ठीक है ना? एक इमेज को कंप्रेशन तो सबने किया है, ठीक है? एक बड़े से इमेज को जब तुम छोटा कर रहे हो तो उसको कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेस करना कहते हैं, ठीक है? मतलब जब तुम लोग के पास बहुत ह्यूज इमेज है, पकड़ो एक तुम्हारे पास जेपीजी है लाइक 10 MB का, उसको तुम लोग क्रॉप, मतलब क्रॉप बोलो, सॉरी नॉट क्रॉप, उसको तुम लोग कंप्रेस करते हो, करके 250 KB का बना देते हो, ये है कंप्रेशन। तो बेसिकली कंप्रेशन क्या है ना, कंप्रेशन इज द टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग ए इमेज, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग ए डाटा ऑफ इमेज बाय व्हिच इट इज रिप्रेजेंटेड विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन इन इट, ठीक है? रिड्यूसिंग द डाटा बाय व्हिच द फाइल इज रिप्रेजेंटेड विदाउट इम्पॉर्टेंट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है? मतलब तुम एक फाइल का साइज को डिक्रीज कर रहे हो लेकिन फाइल का इंफॉर्मेशन लूज बिना किए हुए। लाइक एग्जाम्पल पकड़े, एक वीडियो है 2 GB का, 2 आवर का, ठीक है? आफ्टर कंप्रेशन वीडियो रहेगा तो 2 आवर का ही, इंफॉर्मेशन लॉस नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये 2 GB पकड़ो 980 MB हो गया, ठीक है? ये है कंप्रेशन। तुम बिट्स को कमा सकते हो लेकिन इन्फॉर्मेशन कम नहीं होगा, ये है तुम्हारा कंप्रेशन, ठीक है? अब कंप्रेशन दो मेन हिस्से होता है, एक है तुम्हारा लॉसी, एक है तुम्हारा लॉसलेस, ठीक है? अब लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है, इन लॉसी कंप्रेशन यू बेसिकली लूज सम कंपोनेंट, ठीक है ना? सम डाटा इज लॉस्ट लॉसी कंप्रेशन, ठीक है? सम डाटा लॉस्ट डिकम्प्रेशन कैन नॉट गिव एग्जैक्ट रेप्लिका। अगर तुम उसको डिकम्प्रेस भी करते हो तो जो एग्जैक्ट रेप्लिका इमेज का वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? मतलब इमेज का कुछ ना कुछ पार्ट जो कि ह्यूमन आई मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो पार्ट वहाँ से हट जाएगा, मतलब हटेगा, इन्फॉर्मेशन तो है, हट तो रहा है ना वो पार्ट, और वो पार्ट को तुम कभी रिकवर नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्ट जो रिप्लिका कभी नहीं ला सकते, ठीक है? अब लॉसलेस क्या है, इसका अपोजिट कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना? नो डाटा इज लॉस्ट। अब कोई डाटा नहीं गया तो डिकम्प्रेशन से तुम एग्जैक्ट रिप्लिका पाओगे, पूरा पूरा एग्जैक्ट रिप्लिका। अब क्या, अब बात क्या है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है? जब तुम लॉसी करते हो तो तुम्हारा जो कंप्रेशन रेशियो है CR वो बहुत हाई रहता है, मतलब कंप्रेशन बहुत हाई में होता है, ठीक है ना? मगर पकड़ो, ठीक है, मैंने थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, इसका कंप्रेशन रेशियो लो होता है, ठीक है? अब कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो, अच्छा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? फालतू में एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है? तो एक कंप्रेशन रेशियो इसका ज़्यादा है, इसका कंप्रेशन रेशियो कम है, छोड़ो बता देता हूँ। कंप्रेशन रेशियो मतलब ओरिजिनल इमेज बाय कंप्रेस्ड इमेज, द रेशियो ऑफ इमेज बिफोर कंप्रेशन टू द रेशियो ऑफ इमेज आफ्टर कंप्रेशन, दैट इज ओरिजिनल इमेज साइज टू कंप्रेस्ड इमेज साइज, ये है तुम्हारा कंप्रेशन रेशियो, ठीक है ना? कंप्रेशन रेशियो, यह कंप्रेशन रेशियो। अब लॉसी के लिए कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, पकड़ो फॉर लॉसी बता रहा हूँ, एस ये बहुत सारी चीज़ लॉस कर दे रहा है, ठीक है ना? इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ें लॉस कर दे रहा है, ठीक है? तो कंप्रेशन तो ज़्यादा हो गई, तो पकड़ो एक 2 MB का वीडियो फोटो है, उसको कंप्रेस करने के बाद ये अप्रॉक्स 2 KB भी कर सकता है, ये लॉसी कर सकता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ, 2 MB से 2 KB, सोच लो कितना ये हुआ, तो CR बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो कंप्रेशन रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और सेम ही अगर लॉसलेस का हुआ तो पकड़ो एक क्या बोलो, इसी का लेता हूँ, 2 MB का है तो उसको कितना कर पाएगा, 1 MB कर पाएगा, ठीक है? इतना ही, तो इसका कंप्रेशन रेशियो कम हुआ क्योंकि कंप्रेशन बहुत कम हुआ ना इसका, कहाँ 20 KB कर रहा था, कहाँ 1 MB कर रहा है, ठीक है ना? तो समझ ही रहोगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा इमेज कंप्रेशन, ठीक है?
होप कर तो समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे खिचड़ी पक गया है पूरे चीज़ों का, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज कंप्रेशन है, इमेज कंप्रेशन कैसे होता है, यह है तुम्हारा एग्जांपल के साथ। इमेज कंप्रेशन ऐसे, इमेज कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इमेज कंप्रेशन रेशियो भी क्या है मैं बता दें, ओरिजिनल इमेज साइज़ बाय द कंप्रेस्ड इमेज साइज। अब लॉसी के लिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत डाटा लॉस कर देता है, और ये लॉसलेस डाटा लॉस बिल्कुल नहीं करता, इसलिए क्या बोलते हैं कंप्रेशन उसके लिए कम होता है, कंप्रेशन रेशियो भी इसके लिए कम होता है। तो ठीक है, मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को ये बताऊँगा क्या नाम है उसका, वो रिडंडेंसी, ठीक है ना। तीन तरह का रिडंडेंसी होता है, रिडंडेंसी क्या, रिडंडेंसी की वजह से तो तुम लॉस कर पा रहे हो। ये लॉसी है, ये किस चीज़ को हटा रहा है, रिडंडेंसी को ही तो हटा रहा है, ठीक है ना। तो वह क्या तीन सौ रिडंडेंसी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।